नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रानीगंज प्रखंड में हूं, रानीगंज ब्लॉक में हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 तारीख से लगातार नामांकन चल रहा है। हर अपने अपने अलग अलग पद के लिए, मुखिया हो या सरपंच हो या समिति पद हो या फिर वार्ड मेंबर का पद हो, सब पे नामांकन चल रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं रानीगंज के ब्लॉक में और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई रज़ी अहमद साहब से, और आज इन्होंने नामांकन दिया है, नामांकन देने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं कि नामांकन के बाद ये अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। रज़ी अहमद जी, आज आपका नामांकन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों से? पंचायत के लोगों से कहना चाहेंगे, हम पूर्व में भी क्षेत्र संख्या 21 जिसमें मोनी पंचायत भी आता है, हम उसका बेनजीर जिला पार्षद थी, हम उसके प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, हमने बहुत ईमानदारी से काम दिखाया है। इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहा तो हम उससे भी बेहतर काम कर करके मोनी पंचायत के अंदर में काम दिखाएंगे। हमारे मन में किसी तरह का संकोच नहीं है, हम ईमानदारी से काम किया है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन देना चाहते हैं मोनी पंचायत में मुखिया बनने के रूप में। आपको क्या लगता है, आपके जो अभी इन्होंने इतने 5 वर्ष उन्होंने अपना कार्यकाल का पूरा किया, कैसा काम किया एक अगर आपसे जानने की कोशिश करें? देखिए, वो तो पब्लिक बता रही है, अभी पब्लिक दिखा रही है कि पब्लिक किस तरह से वो पंचायत को उल्टा पुल्टा सरकार के का जो प्रावधान है, सरकार का जो पब्लिक की राशि आती है उसके बिल्कुल उल्टा पुल्टा किया है काम। क्या कहते हैं, इंदिरा आवास, हम यही जानते हैं कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है और मरता है उस दिन तक का सरकारी लाभ है, उन्होंने सिर्फ एक इंदिरा आवास को लेकर के चला, नीचे 30 ऊपर 35 40,000 रुपया तक कर पब्लिक का लिया गया, यहाँ तक के वृद्धा पेंशन वाले का पैसा लिया गया, जो मजदूर नरेगा के तहत काम किए हैं मनरेगा के तहत वो सबसे पैसा वसूला गया है। अभी फिलहाल 15-20 दिन पहले इंदिरा आवास रानीगंज में किसी तरह का, और कोई पंचायत में तो कोई मामला था नहीं, लेकिन इंदिरा आवास के नाम पर 1500-1500 रुपया कर करके पब्लिक से पैसा लिया गया है, लगभग 25-30 लाख खाता खोलने के नाम पर पैसा लिया गया, लेकिन एक भी खाताधारी को खाता नहीं दिया गया। जी, मंसूर आलम जी, आप अपने पंचायत के लोगों से कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? पंचायत के लोगों को मैसेज क्या देंगे, अगर ऊपर वाला हमको उस पद पर बैठाया तो वो पंचायत के लोग देखेंगे, हम ठग फूस करने वाले लोग नहीं हैं, हम वो चीज़ जिला परिषद पीरियड में दिखा दिया है कि हम ठग फूस किसी को बेकसूर का लड़ाना भिड़ाना, जो समाज में गंदगी है वो गंदगी हमने नहीं किया है और आशा रखते हैं कि वो गंदगी हम नहीं करेंगे। सत्यन अहमद साहब, आज आप लोग यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नॉमिनेशन देना तो हक सबका है, और मैं एक वोटर के रूप में कहना चाहूँगा कि जो सरकार जितने तरह की स्कीम पंचायत को देती है, और ये जो पंचायती राज सिस्टम आया है किसी के समाज को बढ़ाने के लिए, उसका सही से इस्तेमाल पंचायत नहीं कर रही है, और एक गाँव का वोटर होने के नाते मैं इस बात को बताना चाहूँगा, और रज़ी अहमद पर मैं विश्वास करते हुए जताना चाहूँगा, ये जो मिसाल कायम करेंगे कि आखिर मुखिया को कैसा होना चाहिए और जन जन तक किस तरह की सरकारी स्कीम को पहुँचनी चाहिए, ये इस चीज़ को पहुँचा करके दिखाएंगे और पूरे अररिया ज़िला में ये एक मॉडल के रूप में उभर करके आएंगे। ये सारे जनता की तरफ से मैं रज़ी अहमद के लिए इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। श्री नियाज़ अहमद, रज़ी अहमद साहब जो मोनी पंचायत के अभ्यर्थी हैं मुखिया पद के लिए, हमको लगता है कि विगत 2 दशक से जो भी प्रधान इंदिरा गांधी इंदिरा आवास था पहले, और अभी प्रधानमंत्री आवास है, और जिसकी भी राशि आई हमको नहीं लग रहा है कहीं पर कुछ बना, और वैसे स्कूल वगैरह जो बनता है तो वो तो लगता है कि गुलाबी रंग से रंगा हुआ है तो लोगों को लगता है, लेकिन बाल बच्चे को यहाँ बीवी को सरकार ये सोचा है कि 24 तक ये इस योजना को लाभ दें, और योजना के लाभ के तहत जब पैसे का उगाही होगा, हर तरह का मामला होगा, देखा देखी होगा, अलग अलग होगा, और डिफरेंट जगह में खाता खुलवा करके ग्रुप बना करके पैसे का वसूली करना और ये करना, जबकि सरकार ये कहता है कि आधार कार्ड से लिंक जो भी है, जो भी खाता है वहाँ पर पैसा भेज दीजिए, तो उसमें इंडिविजुअल
वो अपना पैसा निकालेगा, लेकिन उसमें वार्ड सदस्य सम्मिलित नहीं होगा, मुखिया सम्मिलित नहीं होगा और ये सब उगाही होगा। लेकिन तो ऐसी व्यवस्था से ये परेशान थे और हमारे नज़दीक भी चर्चा किए कि हम जब जिला परिषद के रूप में, मतलब उनके जो 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 बेनज़ीर साहब, जो बेनज़ीर पत्नी थी इनकी, और ये पति के रूप में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। इनको ये सब गंदगियाँ जो पूरे पंचायत में चल रहा था ये बर्दाश्त नहीं किए। एक नेक आदमी का तो प्रश्न होता ही है, दिल में क्वेश्चन उठता है कि हम इसका समाधान कैसे करें। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कदम उठाया है और आशा है कि ये विजय की ओर अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। किसका? मेरा, नियाज अहमद। प्रस्ताव, आप लोग मोहिनी पंचायत से रजी अहमद साहब के साथ आए हैं, आप उस पंचायत की एक नागरिक हैं, आप लोगों का मिजाज क्या है? नहीं कुछ नहीं। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा आपके पंचायत में? 100% चेंज करेंगे आप? हाँ। वैसे अगर हम पूछना चाहें कि इस बार आप लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, मुखिया की ताजपोशी किसकी होगी इस बार? देखिए, ताजपोशी तो वो ऊपर वाला ही कर सकता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, ग्रामीण जनता चाह रही है, पंचायत की जनता चाह रही है कि रजी अहमद को हम लोग कामयाब बनावें। इस वजह से विगत 5 वर्षों से वो जिला परिषद के प्रतिनिधित्व किए हैं और हमारे यहाँ आज़ादी से लेकर आज तक 1 इंच रोड नहीं बना। उन्होंने 82 किलोमीटर रोड पास करवाया और उसको अमली जमा पहनाया, अब बनवा लिया 3 पुल, मोहनी, विनोदपुर और विनोदपुर में एक पीछे, वो तीनों पुल को उन्होंने बनाया। आज हम आसानी से चल फिर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है।